वाणिज्य ग्रंथ अष्टम अध्याय प्रारंभ से अंतिम सूत्र तक पांच अयम 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 जयम 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 अरहम जयम सोहम स्वयं स्वयं सोहम 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 जयम अहम सोहम सोहम अहम जयम अहम सोहम सोहम अहम। काके हाथ उत्पन्न महोच्छ काके एक आठ हाथ पाती एक चौबीस हाथ पाती एक बारह हाथ पाती जो मोरी पाती फाटी तो हम ना जाने एक चौसठ हाथ पाती एक छह हाथ पाती बानौ सौ सर्व दयाल प्रसाद ये तो बाकुड़े पूरी पूरी मार्ग ये तो कछु उपतार न जाने अरु हमारी पाती फाटी आवो रे भाई हम बैच मतो कीजे ये तो बापुरे खोरी खोरी मार्ग साथ आवन जाई सती आठ रमनक त्रय चौबीस प्रयोग बारह धर्म मार्ग थी चौसठ बार नौ से बारह बारह अठे छानवे रमन चिहने की पाती बरस पाती दिन रमन की पाती एक दिन चैत्रवदी दस गुरु जोग ध्यान दिन छह औषवदी दिन दोई उत्पन्न मिलन दिन तीन उत्पन्न रमन दिन तीन उत्पन्न चतुर्थ दिन चार ऊषवदी दिन दोई उत्पन्न सात दिन एक हंतकार दिन तीन हितकार चौबीस उत्पन्न स्वभाव रमन मिलन अनंत अवगा अनंत अनमोद ध्रुव स्थापन उत्पन्न प्रवेश त्रिलोकनाथ अनंत प्रवेशी अचिंत चिंतामणि अवल बली हितकार
उत्पन्न हुंतकार चौबीसी दयाल प्रसाद अनंत अवगाहन प्रिय स्वभाव उत्पन्न करे उत्पन्न समय स्वयमेव अधिष्ठ दिश्य इंद्र धरणेन्द्र गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच गुह्यक उत्पन्न अनंत अनंत उत्पन्न समय महोक्षय आए क्षत्र तीन स्वयमेव उत्पन्न हुई आए दुंदुही शब्द ऐरापति संयुक्त काले बारह कोटि बाजे बाजहि सहित क्षत्र चमर सिंहासन नौ निधि चौदह रयन मणिमाणिक हीरा पदार्थ जड़ित आरते अनंत उत्पन्न महोक्षे आए महोक्षो की हो बेसक प्रमाण जय दियो बेसक उत्पन्न करे छत्र सीत उज्ज्वल उत्पन्नी के माते दियो छत्र एक कमलावती के माते दियो छत्र एक रुइया जिनके माते दियो छत्र धारी भक्तावती छत्र धारी शुभनावती छत्र धारी रमनावती चमर ठार अगम जिन चमर ठार रमन सेनी चवर ठार दिगत रंज जो मैं था वो सो प्रमाण आज बड़े बड़े कहाँ पाऊं मोरे बड़े आज एही जो महोच्छो मोरो करती है सो महोच्छो मोरो अस्थाप को करहु जो जैसे प्रचय उत्पन्न स्वभाव प्रचय प्रवेश उत्पन्न महोत्सव अनंत अनमोद प्रचय प्रवेश न पर चिंत किए मुक्ति प्रवेश पांच लाख त्रिपन हजार तीन सौ उन्नीस बहुत को पूछे मैं तो कमलावती रुई जिनको तस्लीम किया हो तुम को पूछी हो जो तुम कियो सो मैं प्रमाण के मानी पांच लाख त्रिपन सहस्र तीन से उन्नीस को तो तुम्हारो नाम पकड़ो त्रिलोक मंडन उत्पन्न स्वभाव पै पूजा उत्पन्न रमन चतुष्टय चार त्रैलोक्यनाथ अनंत प्रवेशी हृदय अरहंत स्वभाव हृदय आवरण हृदय अस्थापन हृदय उत्पन्न तिलक उत्पन्न अंकुर आयरन आराध्य आलाप लोक अवलोक अतता है उत्पन्न 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 अतहता है उत्पन्न उवैस प्रवेश दो सौ सोलह स्वभाव रयन तीन बहतरी दो सौ सोलह गम्य अगम्य अथाह अलहु अगहु अभय भय रहित सहज सुखीय स्वभाव उत्पन्न बालाग्र कोटिमितम शुल्प सुन्न अल्प सुन्न प्रवर्तना प्रवेश शुल्प सुन्न उत्पन्न अनंतानंत 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 अनंत उत्पन्न प्रवेश साथ कम दीप्ति सुन्न साव बंधान विलयम जानती सदी पूजा आयरन सुन्न साव
आयरन उत्पन्न त्रिलोक हितकार तिलक सहकार तिलक आयरन विंद प्रवेश उत्पन्न 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 सुन सहा सदमस्त उत्पन्न उत्पन्न सदमस्त उत्पन्न सदमस्त उत्पन्न मागधी भाषा दिव्य ध्वनि सुन्न उत्पन्न सुन्न प्रवेश सुन्न सहाव सुन्न त्रिलोक विजय उत्पन्न पद तिलक त्रिलोक विजय उत्पन्न विजय जय सार 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 जय उत्पन्न तीन जय उत्पन्न दुंदुही शब्द सहकार उत्पन्न जय दुंदुही शब्द आयरन जय दुंदुही शब्द आराध्य जय दुंदुही शब्द आलाप जय दुंदुही शब्द अनमोद जय दुंदुही शब्द सार जय दुंदुही शब्द उत्पन्न शाह जय दुंदुही शब्द कृपण जय दुंदुही शब्द मुक्ति जय दुंदुही शब्द अनंत सुख अर्ध कोड साढ़े बारह कोड मुक्ति विलास विंद उत्पन्न सुन्न सा अनंत प्रवेश अनंत दुवालाग्र कोड मितम मुक्ति स्वा श्री सदमस्तवाणी जी अष्टमोधिकार समुत्पन्न सा अपने अरिहंत सिद्ध स्वभाव की निरंतर स्मृति झलक अनुभूति बार बार हो रही है। गुरु महाराज ने परमात्मा को सामने रखा है और उनसे अपने स्वरूप को प्रमाण किया है। अयम 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 यही है यही है यही है जयम 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 जय हो जय हो जय हो अहम जयम मैं परमात्म स्वरूप हूं। मेरा परमात्म स्वभाव जयवंत हो रहा है। तू हम जो तू है वही मैं स्वयं 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 ही स्वयं ही सोहम 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 जो वह है वही मैं हूं जो वह है वही मैं जो वह है वही मैं जो वह है वही मैं हूं ऐसा स्वभाव जयवंत हो जयवंत हो। जो मैं हूं वही तुम हो जो तुम हो वही मैं स्वभाव की जय हो जय हो। जो मैं हूं वही तुम हो जो तुम हो वही मैं हूं। परमात्मा में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो परमात्मा है स्वभाव से वही मैं। परम आत्मा का नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई पोस्ट नहीं है। परमात्मा कोई पद नहीं है। आत्मा की शुद्ध अवस्था आत्मा की परम अवस्था आत्मा की श्रेष्ठ अवस्था का नाम परमात्मा है। और ये कहीं बाहर से नहीं आती अपने स्वभाव के आश्रय से ही होती। जो तुम हो वही मैं हूं जो मैं हूं वही तुम हो। अब तो भेद ही समाप्त हो रहा है। ऐसी अद्भुत आनंद की अनुभूति गुरुदेव अंतर में कर रहे हैं। दूसरे सूत्र से नवे सूत्र तक उत्सव की व्यवस्था है। काके हाथ उत्पन्न महोत्सव लगता था कि श्री संघ का इससे श्रेष्ठ उत्सव
और कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए जितने भी गुरु महाराज के शिष्यगण थे सारा जोर लगा दिया। वे जानते थे कि अब इसके बाद संभवतः हम ऐसा कोई उत्सव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात गुरु महाराज से जुड़ी थी थी और गुरु महाराज को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। रिया रमन, कमलावती, कलनावती, गिरोह, डालू आदि इन सभी शिष्यों ने मिलकर एक व्यवस्था बना ली। उन्हें किसी कारण से पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है और उन्होंने उसकी तैयारियां कर ली। वे जानते थे कि अगर हम तैयारियों के बारे में गुरु महाराज से कहेंगे वे इनकार कर देंगे कि हमें कोई भी प्रदर्शन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए। लेकिन शिष्यों को तो करना था, उनकी भावना थी और प्रसंग था गुरु महाराज की साधु पद की दीक्षा। साधु पद की दीक्षा होनी थी, इसकी तैयारियां गुरु महाराज के शिष्यों ने कर ली थी और वे जान रहे थे कि अगर गुरु महाराज से कहेंगे तो वे मना कर देंगे। इसलिए नहीं पूछना ही अच्छा है, अपने विवेक से काम करें। काके हाथ उत्पन्न महोत्सव, किसके हाथ महोत्सव उत्पन्न हुआ? किसी भव्य जीव के भाव निमित्त बने और उन्होंने अपने शुभ भावों के प्रतिफल स्वरूप गुरु महाराज के वीतराग पद की प्रभावना की तैयारियां कर ली। चिट्ठियां लिखी गई, आठवें सूत्र में लिखा है एक छह हाथ पाती, एक छह हाथ की चिट्ठी लिखी गई। तीसरे सूत्र में आया है एक आठ हाथ पाती, एक आठ हाथ की पाती लिखी गई। पत्र नहीं लिखे जाते थे, पाती लिखी जाती थी। पांचवें सूत्र में है एक बारह हाथ पाती, एक बारह हाथ की पाती लिखी गई। चौथे सूत्र में एक चौबीस हाथ की पाती और सातवें सूत्र में एक चौसठ हाथ की पाती। छह हाथ की, आठ हाथ की, बारह हाथ की, चौबीस हाथ की, चौसठ हाथ की। पाती लंबी लंबी होती थी जन्म कुंडली की तरह, इतने तो विशेषण लगाते थे लोग, इतने तो सम्मान से लिखते थे। अब तो लोग पत्र लिखना भूल गए, चिट्ठी लिखना भूल गए, पाटियों की तो बात ही अलग। अब तो फोन ने इतना सब काम कर दिया और मोबाइल ने तो सब लाइन से लगा दिया। पाती लिखी जाती थी छह हाथ की लंबी पाती, सर्व श्री 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 सर्व उपमा लायक उपमा योग्य, बड़े विनम्र भावों से दोहा छंद शब्द भावना ये सारी चीजें उस पाती में हुआ करती थी। इतनी बड़ी बड़ी पाटियां लिखा गई, सब जगह भेज दी गई और जब बाद में गुरु महाराज को पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया तो गुरु महाराज बोले जो मोरी पाती फाटी तो हम ना जाने। भैया तुमने हमारी पाती बटवा दी, हमारी पाती सब में भेज दी, पाटी से मतलब सब जगह भेज दी, सब जगह पहुंचा दी, जो मोरी पाती फाटी तुमने हमारी चिट्ठियां सब जगह भेज दी, अब हम नहीं जानते। बालव सो सर दयाल प्रसाद, दयाल प्रसाद जी को बोलते हैं गुरुदेव ये तो बापरे भोरे भोरी मान, ये गुरु महाराज के शब्द हैं दयाल प्रसाद जी को, ये तो बापरे भोरे भोरी मार, ये तो सब भोरे भोरी हैं, ये तो कछु गुप्तार न जान, ये कुछ गहराई नहीं जानते, ये कुछ विशेष बात समझते नहीं है, और हमारी पाटी फाटी और तुमने हमारी चिट्ठियां बटवा दी, सब जगह तुमने हमारी चिट्ठियां पहुंचा दी और हमें बताया नहीं, हम न जाने। आबोहरे भाई अब तुमने बटवाई दी चिट्ठी तो आबोहरे भाई हम बैठ मतो कीजिए, अब अपन बैठ लो विचार कर लो, विचार करके निर्णय कर लो, क्योंकि ये तो बापरे भोरे भोरी मार्ग साथ आ गई जाए, ये तो सब भोरे भोरी हैं, इनसे तो जैसा कह दो सब साथ में, कोई आज्ञा चालेगा नहीं, जैसा कहेंगे सब करेंगे, लेकिन
ये कुछ विशेष बात समस्या नहीं है और तुमने हमारी चिट्ठी बटवा दी, हमारी चिट्ठी तुमने सब जगह पहुंचा दी, तो अब बैठ कर विचार कर लो, हम बैठ मतों की। ये था गुरु महाराज के साधु पद की दीक्षा का उत्सव, जिससे संबंधित पाटियां लिखी गई, इतनी लंबी लंबी पाटियां, 6 हाथ की, 8 हाथ की, 12 हाथ की, 24 हाथ की, 64 हाथ की। अब अपन विचार कर सकते हैं, इतनी लंबी लंबी पाटियां लिखी गई थी, जिस उत्सव की पाटियां इतनी लंबी लंबी हो, वो उत्सव कितना विशाल, कितना महान होगा। दूसरे से नवे सूत्र तक गुरु महाराज की दीक्षा से संबंधित पाटियों का प्रसंग है और आगे पुनः शंका समाधान के अंतर्गत कुछ उत्तर हैं। जैसे 10वें सूत्र में पृथ्वी 8 पृथ्वी होती हैं, रैनत्रय 24, रत्नत्रय 24 हैं। गुरु महाराज ने इसके 3 भेद किए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और प्रत्येक के अंतर्गत 8 विशेषताएं दी हैं, उन सबको मिलाकर रत्नत्रय 24 कहा है। प्रयोग 12, उपयोग 12, धर्म मार्ग भी 64 बार 912, ये कुछ उत्तर दी हुई संख्याएं हैं, 12, 8, 96। रमन सिंह की पाती वर्ष पाती दिन 6, रमन की पाती 1 दिन, चैत्रवती 10 लगता है। उस उत्सव में रमन ने भी 1 दिन का हिस्सा लिया होगा। लोग अपनी अपनी पात्र भावनाओं की चिट्ठियां डालते हैं, भैया 1 दिन हमारी तरफ से पात्र भावना है, आपको आना है। रमन ने भी 1 दिन की चैत्रवती 10 की पाती सबको दी है। और गुरु महाराज तो ऐसे हैं कि जो ध्यान दिन 6 दिन तक बैठे हैं गुरु महाराज योग ध्यान में, उन्हें कोई खबर ही नहीं। पूषवदी दिन 2 ही, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथि रही है जिसका यहाँ उल्लेख है। उत्पन्न मिलन दिन 3, उत्पन्न रमन दिन 3, उत्पन्न चतुष्टय दिन 4, पूषवदी दिन 2 ही, उत्पन्न 7 दिन 1, ये सारी विशेषताएं हैं ध्यान की, योग की। 3-3 दिन तक उत्पन्न मिलन, 3 दिन तक उत्पन्न रमन, 4 दिन तक चतुष्टय की आराधना, ये तिथियां बीच में आई होंगी, या तो इन तिथियों से प्रारंभ किया होगा या इन तिथियों पर समाप्त किया होगा। उत्पन्न 7 दिन 1, ये भी इसी संदर्भ में है। हुंतकार दिन 3, 3 दिन तक हुंतकार की आराधना हुई, अर्थ अर्थ और विंद। हितकार 24 हितकारी हैं, रत्नत्रय के 24 भेद जो पीछे रत्नत्रय 24 कहा है। उत्पन्न स्वभाव रमन आदि सूत्र है, स्वभाव को उत्पन्न करो, इसी में रमन, इसी से मिलन, अनंत स्वभाव में अवगाह, ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना, अंतर में ही दृढ़ता स्वभाव के प्रति, त्रिलोकनाथ अनंत चतुष्टय में स्वभाव में प्रवेश, बस यही जीवन की सार्थकता है। अत्यंत चिंतामणि अवलवली परमात्म स्वरूप हितकारी है, हुंकार लगाओ रत्नत्रय के सारे भेदों को, अंतर में उत्पन्न करो, स्वीकार करो। दयाल प्रसाद अनंत प्रिय स्वभाव में अवगाहन कर रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं इसी में प्रवेश करो। अंतर में जब अनुभूति घटती है तो समय उत्पन्न होता है, आत्मानुभव प्रकट होता है, स्वयं ही जिसे अभी तक नहीं देखा वह दिखाई देता है, अनुभूति में आता है। प्रभावना हेतु इंद्र धर्णेन्द्र गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि सब चारों ओर से सहभागी हैं, और लगता है यहां कोई देवगति वाले गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, इनकी जो भी अपेक्षा है भगवान के समोसरण में
तभी देव उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। 100 इंद्र जिनेन्द्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। गुरु महाराज के साथ संयोग में भी यथानुसार सभी जीव सहभागी थे। अनंत समय उत्पन्न और उसी का महोत्सव, 3 छत्र स्वयं ही उत्पन्न होकर आए हैं। 3 छत्र से अभिप्राय है, 1 छत्र है सिद्धांत का, 1 छत्र है ज्ञान का और 3रा छत्र है चारित्र का। अनंत समय जब अंतर में उत्पन्न होता है तब रत्नत्रय का महोत्सव स्वयं होता है। व्यवहारिक सूत्र है, दुंदुभी शब्द ऐरावत संयुक्त, ऐरावत हाथी, 12.5 करोड़ बाजों का बजना, ये सब घटता है तीर्थंकर परमात्मा के संयोग से, उनके निमित्त से। और गुरु महाराज के समोसरण में, धर्म प्रभावना में छत्र चमर सिंहासन 9 निधि 14 रत्न मणि माणिक हीरा पदार्थ जड़ित आरते अनंत उत्पन्न महोत्सव आए। ये सारी चीजें लेकर लोग आए, खूब दान करते थे, पुण्य करते थे, प्रभावना करते थे, महोत्सव किया, अनंत प्रभावना का आनंद का उत्सव हुआ। और उस उत्सव में देशक प्रमाण के दियो, निस्संदेह स्वीकार करके दिया है, निस्संदेह उत्पन्न हुआ है अंतर में स्वभाव का अनुभव प्रवेश हुआ है। और व्यवहार में उनका जो शिष्य था उत्पन्नी, इसे छत्र दिया है, छत्र सेत उज्ज्वल उत्पन्नी के माध्यम से, स्वच्छ धवल सफेद छत्र उत्पन्नी के माध्यम से। उत्पन्नी का अर्थ गुरु महाराज ने उत्पन्न अर्थ किया है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में जो अनुभूति प्रगटती है वो निर्मल प्रकाश रूप होती है, शुद्धम प्रकाशम, दोनों ही तरफ से बात रहती है। उत्पन्नी के माथे एक सफेद छत्र दिया। सम्यक दर्शन में जब उत्पन्न अर्थ होता है तो शुद्धम प्रकाशम झलकता है। छत्र एक कमलावती के माथे दियो, एक छत्र कमलावती के माथे पर रखा। कमलावती है ज्ञायक परिणति, ज्ञान परिणति। और छत्र एक रुइया जिनके माथे दियो, एक छत्र रुइया रमण के माथे पर रखा। ये व्यवहार में भी है, पूरा उत्सव हो रहा है, सबके सिर पर छत्र रखे गए हैं। और अपन तो बहुत कम बात कर रहे हैं, जो हुआ उसका असंख्यात में हिस्से में बात हो रही है, वहां क्या हुआ ये तो अलग ही बात है। तब एक छत्र रुइया जिनके माथे दियो, रुइया जिन वीतराग स्वभाव की रुचि, जिन स्वभाव के प्रति समर्पित रुचि, वीतराग परिणति सम्यक चारित्र, ये 3 छत्र हैं। और फिर इनके अलावा साधना के तपस्या के अनेकों गुण हैं। फिर छत्रधारी भक्तावती, छत्रधारी सुमनावती, छत्रधारी रमनावती, ये सब छत्र लेकर चल रहे थे। चमरधार अगमजन, अगमजन चमरधार रहे, रमन श्रेणी चमरधार रहे, विगतरंज चमरधार रहे। गुरु महाराज से इस महोत्सव में कुछ लोगों ने अपनी विनय भावना प्रदर्शित करते हुए उनसे कह दिया, महाराज हम तो आपके चरणों की धूल हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बहुत विनीत भाव से कह दिया होगा। गुरु महाराज ने क्या कहा, जो मैं था वो सो प्रमाण, जो मैंने स्थापित कर दिया ये मार्ग है ज्ञान का, अध्यात्म का। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, आज बड़े बड़े कहां पाऊं, कहां चलाऊं मैं बड़े बड़े, बहुत कुबेर और बड़े बड़े धनपति कहां से लाऊं,
मोरे बड़े आज यही है जो मऊ छो मोरो करत है। मेरे आज जे ही बड़े हैं जो मेरा महोत्सव कर रहे हैं। बोली महाराज आपका महोत्सव काय का करना है? गुरु महाराज ने कहा महोत्सव मोरो अस्थाप को करो, मेरा महोत्सव अस्थाप का करना। तभी से ये अस्थाप की और तिलक की परंपरा आज भी चल रही है। गुरु महाराज स्वयं आदेश दे कर रहे हैं महोत्सव मोरो अस्थाप को करो, मेरा महोत्सव अस्थाप का और तिलक का करना। जो जैसे प्रचय उत्पन्न स्वभाव, प्रचय प्रवेश उत्पन्न महोत्सव अनंतन मूर्त, जो जीव जैसे बने वैसे परिचय उत्पन्न करे अपने स्वभाव का, जैसे बने वैसे अपने स्वभाव का परिचय उत्पन्न करे, प्रवेश करे अपने स्वभाव में, बस इस साधना से अनंत महोत्सव उत्पन्न होगा। जिसे सूत्र दिया है 41वां गांठ में बांध कर रखने लायक है, प्रचय प्रवेश न पर चिंत किए मुक्ति प्रवेश। साधक योगी पर की चिंता ना करे, पर का विकल्प ना करे, निर्विकल्प होकर प्रचय प्रवेश, विकल्प रहित होकर अपने स्वभाव का परिचय करे, अपने में प्रवेश करे, बस इसी से वह मुक्ति प्रवेश मुक्ति को प्राप्त करेगा। किसी का भी चिंतन ना करे, किसी की चिंता ना करे, अपने स्वभाव में प्रवेश करे। 553,319 और बहुत को कौन पूछे। गुरुदेव कहते हैं मैं तो कमलावती रैया जिनको बागडोर सौंप चुका हूं, उन पर मैंने विश्वास कर लिया, मैं तुमसे ही बात करूंगा, क्योंकि जो तुम कियो सो मैंने यथार्थ माना है, जो तुम करते हो वो ठीक है प्रमाण के माने। 553,319 को तो तुम्हारो दावन पकड़ो, तुम इस बात के साक्षी हो, तुमने इस बात की अनुमोदना की है कि 553,319 जी थे भगवान के समो शरण में, तुमने दामन थामा है, इसलिए अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक और कारण समाज में इस संदर्भ में चर्चा का प्रसंग चलता रहा है। एक तो ये कि 553,319 जीवों की संख्या भगवान महावीर स्वामी के समोशरण की है। दूसरी बात ये, गुरु महाराज ने जब पहली बार भ्रमण किया था, कहते हैं उनके पहली बार के भ्रमण से 553,319 जीव शिष्य बने थे, ऐसा बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं। तो कमलावती रैया जिनको तस्लीम कियो, इनने दामन थामा, ये बात दोनों ही अपेक्षा से घटती है। भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में भी अनमोई कमलावती रैया जिन दूसरे अध्याय में आया था। कमलावती रैया जिन ने इस बात की अनुमोदना की थी और यहां भी घटती है गुरु महाराज के समय में, क्योंकि गुरु महाराज के सारे शिष्यों में प्रमुख कमलावती और रैया रमण थे, इन्होंने ही पूरे संघ की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। एक बात और आपके सावधानी के लिए, और आपके मन में किसी प्रकार की शंका ना हो इसलिए बता देना चाहते हैं, छद्मस्थवाणी ग्रंथ में चार प्रकार के सूत्र हैं भगवान महावीर स्वामी के समोशरण से संबंधित सूत्र, गुरु महाराज के जीवन परिचय से संबंधित सूत्र, शिष्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उनका जो समाधान गुरु महाराज ने दिया वह समाधान इस ग्रंथ के सूत्रों में है। ये तीसरे प्रकार के सूत्र हैं
और चौथे प्रकार के सूत्र हैं गुरु महाराज के स्वयं के सहज स्फुटित हुए अनुभव, जो सहज भाव से उन्होंने कहे, अपने आनंद में बैठे हैं, बोल रहे हैं और शिष्य लोग लिखते चले जा रहे हैं। इस ग्रंथ में सर्वार्थ सिद्धि का प्रसंग हो या कि गुरु महाराज के 1572 में समाधि होने का प्रसंग हो, अथवा भगवान महावीर स्वामी के समावसरण से संबंधित कुछ विशेष सूत्र हो, ये सब गुरु महाराज के अवधि ज्ञान के विषय बने थे। सारण स्वामी को अवधि ज्ञान का अंकुर उत्पन्न हुआ था। आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, जिनके मति श्रुत ज्ञान परम शुद्ध हुए अवधि को वरंदाजो, उन्हें अवधि ज्ञान प्रकट हुआ था। तो ये सब बातें उन्होंने अपने उस अवधि ज्ञान में जानी थी, और जब कभी अपने निकटतम लोगों के साथ बैठते थे, स्वाभाविक थे कि इतना महान सदगुरु, और जब 50 लोग बैठेंगे आत्मीयता के साथ, फिर सब तरह की बात होती है, ना हो ऐसा संभव ही नहीं। उसी आत्मीयता के तहत ये सब बात प्रेम स्नेह में धीरे से किसी ने पूछ लिया और उनने हंसते हंसते कह दिया, हमारो तिलक तो 72 को है, तुम बनाओ योजना, करो कार्यक्रम। और जब सिद्धांत की चर्चाएं होती थी, उसके साथ साथ प्रश्न भी पूछे जाते थे, गुरु महाराज अपने अनुभव भी बताते थे। कहने का अर्थ यह है कि ये सारी चीजें गुरु महाराज ने अपने हाथ से नहीं लिखी, उन्होंने केवल बोला है। ये सारे सूत्र उनके कहे हुए हैं, शिष्यों ने उनके कहे सूत्रों को लिपिबद्ध किया और ये ग्रंथ बन गया। कभी उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बात हुई, कभी उनकी स्वयं अनुभूतियां आई, कभी किसी ने प्रश्न पूछे, और ये क्रम लौट पौट कर चलता रहता था। इसलिए इस ग्रंथ में सारे सूत्र क्रम से नहीं है, कहीं समोसरण के सूत्र हैं, तो कहीं अनुभव के सूत्र हैं, तो कहीं प्रश्नों के उत्तर के सूत्र हैं, तो कहीं गुरु महाराज के जीवन परिचय से संबंधित सूत्र हैं। उनने बताए हैं ये सब और लोगों ने नोट किए हैं। इस तरह से छद्मस वाणी ग्रंथ का संयोजन हुआ है। इतना अवश्य है कि इस ग्रंथ में शिष्यों ने इतनी ईमानदारी रखी है कि अपनी तरफ से एक भी बात नहीं मिलाई, जो भी है वो सब गुरु महाराज का कहा हुआ है। हां, उनकी समाधि होने के बाद 12वां अध्याय जोड़ा गया है, 11 अध्याय उनके स्वयं के मुख से कहे गए हैं जो लिखे गए हैं, 12वां अध्याय उनकी समाधि के बाद लिखा गया है, और बहुत क्रांति मचा देने वाला है 12वां अध्याय। सारा रिकॉर्ड और जो कुछ भी था वो सब रुइया रमण ने लिखकर अंत में ऐड कर दिया। बस इतना है। ये बात इसलिए आवश्यक ही बताने की कि अपन सूत्र पढ़ रहे हैं, सभी तरह के सूत्र आ रहे हैं, इन सूत्रों में उसके भाव के अनुसार हम चलने का प्रयास करें। 553,329 दोनों ही अपेक्षाओं से घटता है। त्रिलोक मंडन उत्पन्न स्वभाव, तीनों लोकों को जानने देखने वाला स्वभाव उत्पन्न हुआ है। पर पूजा उत्पन्न, पद की पूजा, केवल ज्ञान पद है, पूर्ण ज्ञान पद है, अनंत चतुष्टय में रमणता के साथ ऐसे पूर्ण पद की पूजा प्रकट हुई है, अर्थात परमात्म स्वरूप उत्पन्न हुआ है। महाराज कहां देखें परमात्मा को, त्रैलोक्यनाथ अनंत प्रवेशी हृदय अरहंत स्वभाव, कहां देखना चाहते हो? मंदिरों में देखोगे नहीं मिलेगा,
तीर्थों में खोजोगे नहीं मिलेगा, नदियों में खोजोगे कि पहाड़ों में खोजोगे, गुफाओं में खोजोगे कि तलहटियों में खोजोगे, कहीं नहीं मिलेगा। कहां देखें? गुरुदेव कहते हैं हृदय अरहंत स्वभाव, अपने हृदय में ही देखो। अरहंत स्वभाव तुम्हारे हृदय में मौजूद है, इसलिए आवरण भी पहनाओ तो हृदय परमात्मा को पहनाओ, स्थापना करो। वैसे स्थापना शब्द चारण समाज में चलता नहीं है, अस्थाप चलता है। अस्थाप करना है तो हृदय में करो, और तिलक भी करना है तो हृदय में ही करो। अंकुर आयरन ज्ञान अंकुरों में आचरण करो, उसी की आराधना, उसी की चर्चा, उसी का अवलोकन। इस साधना से ही असह साह पद उत्पन्न होता है, परमात्म पद उत्पन्न होता है। उपदेश यही है, अपने साह पद को उत्पन्न करके उसी में प्रवेश करो। किसी प्रश्न के उत्तर में 216 संख्या दी है, रत्नत्रय का भी उल्लेख है, और ये कहा है कि 216 ही बेहतर है। क्योंकि यहां प्रश्न नहीं है, इसलिए अभी अपन फिलहाल कंफर्म रूप से कुछ नहीं कर सकते कि 216 संख्या किस अर्थ में है, किंतु विचार करेंगे तो अवश्य ही इसके संबंध में समाधान अंतर से प्राप्त होगा। आचार्य कहते हैं अनुभव करो, स्वभाव अगम्य है, अथाह है, जिसका लाभ नहीं किया है ऐसा है, अगाध है, अभय, भय रहित, सहज सुखी स्वभाव अंतर में उत्पन्न हो रहा। आप किसी प्रश्न के समाधान में बालाग्र कोड में तम शब्द आया है, 52वें सूत्र में और 66वें सूत्र में भी आया है, दोनों जगह एक साई समझ लें। शुल्क सुन्न अल्प सुन्न प्रवर्तना प्रवेश, शुल्क सुन्न उत्पन्न, शुल्क सुन्न अल्प सुन्न, ज्ञानी साधक की स्वानुभूति पूर्ण अंतर की उपलब्धियों का सूचक शब्द है। स्वभाव अनंतानंत है, अनंत स्वभाव को उत्पन्न करो, सार स्वरूप में प्रवेश करो, प्रकाशमय शून्य स्वभाव में लीन हो जाओ। बंधन विलयम जानती, सारे बंधन विलय को प्राप्त हो जाए, तभी पूजा आयरन शून्य स्वभाव। और फिर शून्य स्वभाव में रमण करने पर ही पूर्णता का आचरण, पूजा का आचरण, पूर्ण स्वरूप में रमणता का आचरण प्रकट होगा। तीन लोक में ऐसा आचरण ही श्रेष्ठ है, यही हितकारी है, यही सहकारी है। ऐसे विंद स्वभाव के आचरण में प्रवेश करो, सुन स्वभाव उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, छद्मस्थ दशा प्रकट हो गई है, सम्य ज्ञान उत्पन्न हो गए हैं। मार्गी भाषा दिव्य ध्वनि तो पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होने पर उत्पन्न होती है, और केवल ज्ञानी होने पर ही शून्य स्वभाव में रमणता त्रिलोक की विजय होती है। अर्थात तीन लोक को जानने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसके साथ भी शून्य स्वभाव दिया है। केवल ज्ञान भी है पर शून्य है, सविकल्प ज्ञान नहीं है, निर्विकल्प ज्ञान। पूर्ण स्वभाव के उत्पन्न होने पर ही पद तिलक, पूर्णता का पद, तिलक अर्थात पूर्णता का पद, तिलक माने समापन नहीं, तिलक अर्थात पूर्णता, पूर्णता का पद, परिपूर्ण वैभव स्वरूप में लीन होने पर उत्पन्न होता है। तीन लोक की विजय होती है, और सारे विकारी भावों पर भी विजय होता है। भगवान
नौ छायक लब्धियों के धारी होते हैं। 61वें सूत्र में जय सार नौ बार दिया है, यानी तीन को रत्नत्रय को पूर्णता से उत्पन्न कर लेते हैं और फिर परमात्म दशा में दुंदुभि शब्द सम्यक चारित्र स्वभाव में आचरण हर चीज में दुंदुभि शब्द का संयोग दिया है। दुंदुभि शब्द अर्थात पूरे वैभव के साथ, पूरे उमंग के साथ, परिपूर्ण समर्पण के साथ। अब दुंदुभि शब्द में क्या हो सकता है और तो वो अनुभूति की बात है। ये तो केवल अपन शब्दों से वहां तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हर शब्द के साथ दुंदुभि शब्द दिया है जो पूर्णता का प्रतीक है। आचरण की जय हो, आराध्य जयवंत हो, आलाप जयवंत हो, अनुमोदना जयवंत हो, शब्दशाह जयवंत हो, शब्द उत्पन्न जयवंत हो, शब्द क्षिपन जयवंत हो, मुक्ति जयवंत हो और अनंत सुख जयवंत हो। हर शब्द के साथ दिया हुआ दुंदुभि शब्द अनहदनाथ अंतर से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अब यहां कोई विकल्प नहीं है। 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं, मुक्ति में विलास हो रहा है, बिंद स्वभाव उत्पन्न हुआ है, शून्य स्वभाव में प्रवेश है, अनंत चतुष्टय में स्वरूप में रमणता है, मुक्ति स्वभाव से मिलन रमण आचरण चरण सब कुछ अपने में वर्त रहा है। इस प्रकार 8वां अधिकार बहुत सारे रहस्यों को लिए हुए है। 9वां अध्याय प्रारंभ से अंतिम सूत्र तक वांछन सुल्प सुन अल्प सुल्प सुन प्रवेश सुल्प सुन उत्पन्न अनंत प्रवेश अनंतानंत 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 साह तदी उत्पन्न सुल्प सुन्न सुल्प इष्ट सुन्न सुल्प सुन्न उत्पन्न सुन्न सुल्प सुन्न उत्पन्न उत्पन्न चतुष्टय साह तम दीप्ति सुन्न सुन्न अल्प सुन्न अनंतानंत प्रवेश एक चारि से नब्बे चौदह से नब्बे कोड़ा कोड़ी सागर 894 काल तुम लब्धियों पर लब्धि पावो तुम अपने किए हो कब को कहत आही बड़ो पहरु भयो बड़ो पहरु आगे हुई है चंदन गला बहुरे काहो आपन को चाह तुम सुल्प सुन्न सुल्प इष्ट सुन्न उत्पन्न उत्पन्न सुल्प सुन्न महा उत्पन्न उत्पन्न सुन्न सुल्प स्वयं सुल्प सुन्न स्वयं सुल्प उत्पन्न स्वयं सुल्प आयरन सुन्न स्वयं सुल्प आराध्य सुन्न स्वयं सुल्प आलाप सुन्न स्वयं सुल्प सहसाह सुन्न स्वयं सुल्प असहसाह सुन स्वयं सुल्प अगहगाह सुन स्वयं सुल्प अलहलाह सुन सुन स्वयं सुल्प अधुव बिली धुव उत्पन्न सुल्प सुन स्वयं सुल्प सुन अर्क उत्पन्न सुल्प सुन
स्वयं सुल्पविंद अनंत स्वभाव उत्पन्न सुल्प सुन्न स्वयं सुल्प अचिंत अनंतानंत स्वयं स्वयं सुल्प सुन्न स्वयं सुल्प हितकार अनंत स्वभाव स्वयं सुल्प सुन्न स्वयं सुल्प हंतकार मुक्ति स्वभाव स्वयं उत्पन्न सुल्प सुन्न स्वयं सुल्प मुक्ति रमन सुल्प सुन्न स्वयं उत्पन्न उत्पन्न दीप्ति उत्पन्न अल्प सुन्न स्वयं ध्रुव प्रवेश अनंतानंत अल्प सुन्न स्वयं उक्त साह अनंतानंत प्रवेश अल्प सुन्न स्वयं श्रवण रमण अनंतानंत प्रवेश अल्प सुन्न स्वयं सुन्न उत्पन्न अनंतानंत प्रवेश अल्प सुन्न सुल्प सुन्न प्रवेश जय 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 समो शरण साढ़े बारह को मुक्ति विलास केवल उत्पन्न प्रवेश चार उत्पन्न चार के चार चार के सोलह सोलह के चौबीस चौबीस के चौसठ चौसठ के छियानवे मुकुट दोई आए सोने की घुघरी हीरा पदार्थ जड़ित और माले अनंत समूह उत्पन्न प्रवेश प्रसाद दियो जने पांच छह लियो कमलावती रियाजिन भगतावती सुवनावती विगत रंग रमन सेन छत्र चारी उत्पन्न स्वभाव आय आयरन छत्र आराध्य छत्र आलाप छत्र सर्वांग छत्र पद तिलक के बैठे सुवृष्ट साढ़े बारह को परम आनंद स्वभाव चरि चरण चरिय चरण ध्रुव चरण चरिय अगम अथा असह अल सुरुवन करी श्री सद्वत्वाणी जी नवमोध्याय समुत्पन्निता नौवे अध्याय में स्वान हो की दशाएं विशेष सुल्प सुन्न अल्प सुल्प सुन्न सुल्प और अल्प इन दोनों के साथ सुन्न आया है सुल्प सुन्न अल्प सुन्न ये साधक की अंतरंग दशा है सुन्न स्वभाव की अनुभूति की विशेषता है सुल्प सुन्न अल्प सुन्न जैसे उत्पन्न अनंत प्रवेश आदि जो शब्द आए हैं इनमें कहीं निर्विकल्पता के साथ स्वानुभाव उत्पन्न हुआ है शुद्धोपयोग के साथ हुआ है स्वभाव के आश्रय से हुआ है हुआ स्वानुभव है पांचवें सूत्र तक यही विशेषता है अनंतानंत साह पद है जो निर्विकल्प स्वानुभव में उत्पन्न हुआ है सम्यक दृष्टि ज्ञानी इष्ट स्वभाव के आश्रय से शून्यता को उपलब्ध कर लेता है ज्ञानी साधक निर्विकल्प स्वभाव में रमण करता है छठवें सूत्र में चतुष्टय स्वरूप साह परमात्म पद दीप्तिमयी है प्रकाशमयी है केवल ज्ञान स्वरूप है शून्य भेद रहित है विकल्प रहित है ज्ञानी उसे निर्विकल्प होकर अनुभव करता है सातवें आठवें सूत्र में 1490 गोला कोड़ी सागर 894 काल का उल्लेख है धर्मोपदेश में आप लोग 149-24 का वाचन करते हैं एक दिन को स्वरूप
सोई 24 दिन को, सोई 72 दिन को और सोई 149 24 दिन को हो गया। जिनेन्द्र तीर्थंकर सब एक समान है, उनके अंतरंग आत्म अनुभूति की लीनता में, अंतर आनंद में कोई फर्क नहीं है। सब एक साथ ही आनंद अनुभव करते हैं। तप, तेज, गुण, लक्षण, बल, वीर सब एक से ही हुए। केवल आयु, काय, समोचरण हम ज्यादा होते हैं, बाकी अंतर में कहीं कोई कमी बड़ी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। 149-24 का आप जो उल्लेख पढ़ते हैं, यहाँ उसी संदर्भ में बात है। 149-24 का अभिप्राय है, एक हुंडाव सर्पणी काल से अगले हुंडाव सर्पणी काल के बीच 149-24 होते हैं। जैसे ये हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है तो अभी तक 149-24 हो चुके हैं, ये वहां अभिप्राय है। 1490 कोड़ाकोड़ी सागर, ये समय भी उसी के अंतर्गत निकलता है। 149-24 में 1490 कोड़ाकोड़ी सागर का टाइम निकल जाता है। 149-24 है और एक उत्सर्पणी अथवा एक अवसर्पणी, इनमें एक सत्काल चक्र में 10 कोड़ाकोड़ी सागर का समय होता है। एक अवसर्पणी जो 6 काल की है, ये 10 कोड़ाकोड़ी सागर की होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 6 काल होंगे। 6 काल में पहला काल 4 कोड़ाकोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ाकोड़ी सागर का, तीसरा 2 कोड़ाकोड़ी सागर का, चौथा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर का, पांचवा 21,000 वर्ष का और छठवा 21,000, सब मिला देंगे तो कुल 10 कोड़ाकोड़ी सागर का एक सेट बनता है, उत्सर्पणी का हो अथवा अवसर्पणी का। समय के हिसाब से दोनों 10-10 कोड़ाकोड़ी सागर के होते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो एक कल्प काल हो जाता है, 20 कोड़ाकोड़ी सागर का। एक काल चक्र 10 कोड़ाकोड़ी सागर का, इसमें एक चौबीसी होती है। एक उत्तर्पणी में एक चौबीसी, अवसर्पणी में एक चौबीसी। 149-24 में हम 10 कोड़ाकोड़ी का गुणा कर दें, 10 का गुणा कर दें तो आ जाता है 1490। यही बात यहां आई है, 1490 कोड़ाकोड़ी 894। 894 के लिए ये काल है। 149-24 में कितने काल गुजरेंगे, कहते हैं 894 काल। षटकाल चक्र का एक खंड होता है तो 6 का 149 में गुणा करते काल निकल आएंगे। 149 में 6 का गुणा करें, 894 काल निकलते हैं। 149-24 में 10 का गुणा करें, 1490 कोड़ाकोड़ी सागर समय निकलता है। अब इसमें कितने तीर्थंकर हो जाएंगे, 149-24 में, क्योंकि 124 में 24 तीर्थंकर होते हैं तो 149-24 में 24 का गुणा कर दें। 149 में आप 24 का गुणा करें, लब्ध आता है 3376। ये टोटल है 1490 कोड़ाकोड़ी सागर का। एक हुंडाव सर्पणी से अगली हुंडाव सर्पणी के बीच 149-24 होती हैं। 149-24 में 10 कोड़ाकोड़ी सागर का गुणा करने से 1490 सागर कोड़ाकोड़ी आता है और 149 में 6 का गुणा करते हैं काल का तो 894 काल निकल आते हैं। अब तीर्थंकर हमने निकाल लिए कि 3376 तीर्थंकर भी हो जाए। ये गणित है सूत्र का। लब्धि ऊपर लब्धि पावो हो, काल तो सब गुजरते जा रहे हैं और तुम जो प्राप्ति करते चल रहे हो, इस प्राप्ति पर तुम्हें तो और प्राप्ति पर और ही प्राप्ति होते जाना है। तुम अपने किए हो,
कब की बात कर रहे हो, कब की बात सोच रहे हो? तुमने स्वयं ही तो किया है, जो बांधा है सोदय में आए, किसी ने दिया नहीं है। जो भी पुण्य है, कर्म है, संयोग है, ये सब अपने ही द्वारा किया हुआ प्राप्त हो रहा है, तुम अपने किए हो। बड़ो पहरु भयो, बड़ो पहरु आगे हुई है, अनादि काल पीछे गुजर गया और अनंत काल आगे है। करना क्या है? चंदन गला बहुरे, चंदन गला। चंदन में दो बातें रहती हैं, आप चंदन गलाओ तो दो अनुभव होंगे, शीतलता का और सुगंधी का। चंदन गला बहुरे, दो चीजें होना जीवन में, संयम की सुगंध हो और परिणाम में कषाय की मंदता हो। कषाय की मंदता का नाम शीतलता और जीवन में संयम का होने का नाम सुगंध। चंदन गलाओ, दो काम होंगे ये चंदन गलाना है। काहो आपन को चाहता, क्या मैं अपने लिए थोड़ी चाहता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। काहो आपन को चाहता हूं, क्या मैं मेरे लिए चाह रहा हूं, मेरा सबके प्रति कल्याण का भाव है, सब जीवों का हित हो, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। चंदन गलाओ। अब ये बात कोई तिलक प्रतिष्ठा की रही है, कह दिया होगा भैया चंदन गला लो, महाराज आपके तो लगो है, कोई लगा गया होगा सब क्या, आपके तो लगो है, तुमने कह दिया होगा मैं अपने लाने थोड़ी करूं, ये सब चले आए हैं, सभी चंदन लगाने हैं ना। चंदन गलाओ। और ये आगे की सूत्र अंतर की स्वानुभूति, अंतर के आनंद से संबंधित है। स्वभाव निर्विकल्प है, शून्य है, यही इष्ट है। अंतर में निर्विकल्पता पूर्वक ही आत्म वैभव उत्पन्न होता है। पुरुषार्थ पूर्वक निर्विकल्प शुद्धोपयोग सहित अपने शून्य स्वभाव में आचरण करो। और पंद्रहवें सूत्र में शून्य के भेद हैं, जैसे आराध्य, आलाप, सहसाह, असहसाह, अगहदाह, अलहलाह, ये सब शून्य है। अभी तक इनसे संबंधित ज्ञान में भेद विकल्प चलते थे, ये सारे भेद विकल्प समाप्त हो गए, क्योंकि सार को उपलब्ध कर लिया, जो साधना करने का उद्देश्य था वो प्राप्त हो गई, उपलब्ध हो गई, जिस साधना का अभिप्राय था वो सिद्ध हो गई। शून्य स्वयं स्वरूप, आप जब अपने शून्य स्वभाव में लीन हुए, अध्रुव विली ध्रुव उत्पन्न, अध्रुवता बिला गई, ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हो गया। 17 से 24 तक जो सूत्र हैं, इनमें निर्विकल्प स्वभाव में प्रकाश उत्पन्न होता है, विंद अनुभूति उत्पन्न होती है, अचिंत अचिंत चिंतामणि स्वरूप प्रकटता है, हितकार अनंत स्वभाव, अनंत हितकारी स्वभाव स्वानुभूति में वर्तता है, हंतकार मुक्ति स्वभाव, जिस स्वभाव में ठहरने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वभाव उत्पन्न होता है, मुक्ति रमण दीप्ति उत्पन्न। मुक्त स्वभाव में रमण करने पर ही ज्ञान प्रकाश, केवल ज्ञान, ये सब अंतर की विशिष्ट अनुभूतियां हैं। 25 से 29 तक पुनः उसी स्वानुभूति की बात को गुरुदेव ने कहा है, स्वयं ध्रुव स्वभाव में प्रवेश, उक्त साह में रमणता, अनंतानंत श्रवण शून्य स्वभाव में लीनता, स्वयं शुद्धोपयोग में स्थिरता और शून्य स्वभाव में लीन होने पर प्रकट हो रही है। जय जयकार, जय जय जय।
केवल ज्ञानी भगवान इस पूर्ण वैभव को प्राप्त करते हैं, तो देव उत्सव करते हैं, प्रभावना करते हैं, 12.5 करोड़ बाजे, विभिन्न माध्यमों से प्रभावना होती है, समो शरण लगता है, मुक्ति में विलास होता है, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय सहित उत्पन्न हो जाता है और प्रवेश स्वभाव में रहता है, अनंत चतुष्टय में स्वरूप में लीनता रहती है। किसी प्रश्न के समाधान में सूत्र है उत्पन्न 4 के 4, 4 के 16 आदि, ये जो संख्याएं हैं। किसी संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा है किसी भव्य जीव ने, जिसके उत्तर में गुरु महाराज ने सूत्र दिया है। गुरु महाराज के आध्यात्मिक समवसरण में, धर्म प्रभावना में, 2 मुकुट आए, सोने की घुंघरी, हीरा पदार्थ जड़ित और मालाएं, बहुत सारी चीजें आई, प्रभावना आई, प्रसाद आया, हीरा मोती पदार्थ से जड़ित वस्तुएं आई, प्रसाद दिया, 5-6 जनों ने लिया, बहुत आनंद है। कमलावती, रुयाजिन, भक्तावती, सुभनावती, विगसरण, रमन श्रेण, ये सब सहयोगी हैं प्रभावना में, साधना में, ये सब व्यवस्थाएं करते थे, हर काम में साधक रहते थे, आगे रहते थे। छत्र चार उत्पन्न स्वभाव आए, स्वभाव की साधना से 4 छत्र आए हैं, आयरन छत्र, आचरण का छत्र, आराध्य छत्र, आराधना का छत्र, आलाप छत्र, तत्व की चर्चा का छत्र, सर्वांग छत्र, रोम रोम में आनंद की अनुभूति, ऐसे 4 छत्र आए। अब बाहर 4 छत्र आए होंगे, उन्होंने अपनी स्वभाव साधना से सबका नाम दे दिया, आराध्य छत्र, आयरन छत्र, आलाप छत्र, सर्वांग छत्र। प्रगतता अंतर में हो रही है, उपलब्धि अंतर में हो रही है, व्यवहार में प्रभावना है, अंतर में साधना है, अंतर की साधना की व्यवहार में प्रभावना है, ऐसा ही निमित्त निमित्त एक संयोग होता है। पद तिलक के बैठे सुभ्रष्ट 12.5 करोड़ परम आनंद स्वभाव। अब भगवान तो अपने पद में पूर्णता को उपलब्ध करके बैठे हैं, देवता आनंद उत्सव कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं और वे परम आनंद स्वभाव में लीन है। अब वहां कोई विकल्प नहीं है। और अंतिम सूत्र है अंतर का, चरी चरण चरी, चलो आचरण में चलो, चारित्र का धारण करो, चरण ध्रुव चरण चरी, ध्रुव स्वभाव के आचरण में ही चरण करो, तुम्हारे चरण ध्रुव स्वभाव की चर्या मैं हूं, तुम्हारे कदम ध्रुव स्वभाव की साधना मैं हूं। चरण बढ़े तो ध्रुव स्वभाव की चर्या के लिए बढ़े, अविनाशी शाश्वत सत्ता में ठहरने के लिए बढ़े, यही आचरण है। अगम है ये मार्ग, अथाह है, असह है, जिसे अभी तुमने सहा नहीं है, ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, अलग है, अभी तक इसे तुमने प्राप्त नहीं किया। सुर उवन चले, वे भव्य हैं, वे श्रेष्ठ हैं, वे ज्ञानवान हैं, जो इस साधना की अनुभूति में चर्या करते हैं, आचरण करते हैं, अपने में ठहरते हैं, इस साधना को उपलब्ध होते हैं। छद्मस्थ वाणी के सभी अध्यायों में बहुत आनंद का वैभव छिपा है, अंतर का भी और व्यवहार का भी, इसीलिए इस ग्रंथ की इतनी महिमा है। परमात्म पद की प्राप्ति की साधना का मूल सोपान है छद्मस्थ वाणी, और इस ग्रंथ के सूत्रों के माध्यम से हम अपना चिंतन करेंगे,
अपने स्वभाव का आराधन करेंगे। निश्चित ही ये अनंत अर्क अपने अंतर में भी अर्पित होगा, प्रकाशित होगा, जागेगा। दीप्तियां प्रज्वलित होंगी, ज्ञान प्रकट होगा। सदमस्त वाणी को साधन है, माध्यम है, इसे हम साधन बनाएं और अपने साध्य की सिद्धि को उपलब्ध हो, यही श्री गुरु का हम सबको मंगल में संदेश।